तलबा अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने हवा छठी कक्षा से हिंदी की पुस्तक से बाली ए धान की इस पाठ को पढ़ा था। आज हम इस पाठ का अर्थ समझेंगे, जिन्हें डॉक्टर हनुमंत नायडू ने बहुत बेहतरीन अंदाज में हमें बयां किया है, समझाया है। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की, झमक झमक चलती जो बेटी किसान की। यानी खेतों में एक तरह से धान की बाली हरकत करते हुए नजर आती है, झूमते हुए नजर आती है। धान यानी ये एक चावल की फसल, यानी चावल की किस्म की फसल है जो उस जो हरकत करते हुए नजर आती है। बाली जो है उसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं चावल के, उसे बाली कहते हैं। इन सब नज़ारों को देखकर किसान की जो बेटी है अपनी खुशी का इजहार करती है और खेतों में मटक मटकते हुए, हरकत करते हुए, झूमते हुए नजर आती है। बूंदों ने प्यार किया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। यानी जो पानी की बूंदे है उन्होंने मोहब्बत दी, प्यार दी। बरखा ने पाला है यानी बारिश ने एक तरह से हमारी परवरिश की है, हमें पाला है। जिस तरह से अपनी माँ अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह से बारिश ने पाला है, ने बरखा ने पाला है। चंदा ने रूप दिया, चांद ने रूप दिया, सूरज रखवाला है, सूरज ने हमारी रखवाली की है। छाया है मंडप सी नीले वितान की, खेतों में झूम रही बाली ये धान की। यानी जो छाया है, छाव है, एक तरह से मंडप में छाव नजर आती है, उसी तरह से खेत में जो वितान की यानी आकाश की छाव नजर आ रही है, और इस तरह से खेत में धान की बाली हरकत करते हुए नजर आती है। पेड़ों पर पंछी है, मेड़ों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोर है। यानी पेड़ों पर पंछी की हरकत आवाज नजर आती है, मेड़ों पर शोर है, और मेड़ों पर यानी मेड़ यानी एक तरह से खेतों के मुनेर, खेतों के जो धुरे है उसे मेड़ कहते हैं, वहां पर शोर नजर आता है। वंशी की तान लिए, वंशी यानी बांसुरी, तान यानी सुर, यानी बांसुरी की सुर लिए आती हर भोर है। यानी जो हर भोर है यानी भोर यानी सुबह, यानी वंशी की तान लिए यानी बांसुरी की सुर में एक सुबह नजर आती है। श्रम का यह मोती है, मेहनत की जीत है, फसलों के आंचल से झरता ये गीत है। यानी श्रम का ये मोती है किसान के लिए, ये एक तरह से जो श्रम करता है किसान रात दिन, ये एक तरह से वो मोतियों से कम नहीं है। श्रम का ये मोती है, मेहनत की जीत है, ये जीत जो है मेहनत की कहलाती है। फसलों के आंचल से झरता ये गीत है, और ये सब गीत जो है फसलों के दुपट्टे से हमें नजर आ रहा है। सखियों सी गाती है किरने विहान की, खेतों में झूम रही बाली ये धान की। यानी सखियों से यानी एक तरह से कुछ बच्चियां जिस तरह से मधुर अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में गीत गाती है, उस तरह से ये नजर आती है। जो किरणें सुबह की निकलती है, विहान की जो किरणें निकलती है सुबह की, वो हमें नजर आती है। मेहनत ही पूंजी है, मेहनत ही पूंजी है जग में इंसान की, खेतों में झूम रही बाली है धान की। यानी मेहनत जो है एक तरह से हमारी ये धन दौलत नजर आती है, और खेत में झूम रही बाली है धान की। यानी खेतों में जो है बाली, धान की जो बाली है हरकत करते नजर आ रही है। तो चलिए बच्चों, इस तरह आपने इस सबक का अर्थ समझा।